ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। खबरों की शुरुआत लालगंज इलाके की खबर से करते हैं, जहाँ पेट्रोल पंप मैनेजर से नकाबपोश ने हाईवे पर लूटे दिन दहाड़े 2,60,000 रुपए। बता दें कि वाराणसी लखनऊ हाईवे पर लालगंज के रानीगंज कैथोला बाजार आ रहे पेट्रोल पंप मैनेजर से 22 सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने 2,60,000 रुपए लूट लिए। मैनेजर ने लुटेरों का पीछा किया, लेकिन वह तमंचा दिखाकर धमकाते हुए भाग निकले। जानकारी पर सीओ एसपी पश्चिमी के साथ ही एसपी सतपाल अंतिल भी पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ किया। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। बता दें कि मानधाता के अजय सिंह गुड्डन का पेट्रोल पंप लालगंज कोतवाली इलाके के रायपुर में हाईवे पर है। पंप पर 2 साल से रायबरेली कांटा नसीराबाद निवासी प्रभात मिश्र मैनेजर हैं। वह शुक्रवार सुबह 10:30 बजे पंप के 2,60,000 रुपये लेकर एसबीआई में जमा करने रानीगंज के थोला बाइक से आ रहे थे। आरोप है कि अर्जुनपुर के पास बाइक से आए दो नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक किया और रोक लिया, बैग छीन कर फरार हो गए। प्रभात ने बदमाशों का पीछा किया तो वह तमंचा दिखाते हुए लालगंज की ओर भाग निकले। सूचना पर कोतवाल कमलेश पाल के अलावा सीओ राम सूरज सोनकर, एसपी पश्चिमी रोहित मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल भी मौके पहुंचे। पीड़ित से पूछताछ के बाद एसपी ने लुटेरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करने का निर्देश दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बात करेंगे प्रतापगढ़ की बड़ी खबर की, जहां प्रतापगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कांग्रेस को नाटकबाज बताया, जबकि उन्होंने बसपा पर भी जमकर हमला बोला। वहीं निषाद समुदाय को हर सुविधाओं को देने का भी ऐलान किया। इस दौरान वह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया, जिसमें अधिकारियों के उदासीन रवैये से नाराज भी दिखाई। बता दें कि अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीडिया कर्मियों से मुलाकात किया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं मछुआ समुदाय को भाजपा सत्ता में भागीदारी देकर उनका सम्मान बढ़ाया। उक्त बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकार भी मछुआ समुदाय को अब मिल रहा है। पिछली सरकारों ने उपजातियों में बिखरे मछुआ समुदाय को पिछली जात में डाल दिया था, अब भाजपा सरकार ने सभी को एससी में शामिल कर दिया। समुदाय के लोग मुझे समाज का अगुआ मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी तरफ से समाज के लिए विशाल मेले का आयोजन कराया जाता है। यह आयोजन 4 से 8 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले में विदेश से आने वालों को भगवान राम का संदेश निषाद राज की तरफ से दिया जाता है। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार अहम रोल निभा रही है और वह मत्स्य विभाग के लिए केंद्र सरकार से अलग बजट दिया गया है। प्रतापगढ़ में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही बैंक कर्मियों की लापरवाही से योजना का लाभ समुदाय के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वह नाराजगी भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ जिले का अमृत सरोवर कहा जाने वाला आंवला आज पूरे देश में फेमस है, उसी तरीके से यहाँ पर मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआ समुदाय के लोग अपनी मूल पेशे से जुड़कर गरीबी को दूर करेंगे। रोजगार, बीमारी और व्यापार में सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मानधाता इलाके की खबर की, जहाँ मानधाता इलाके में नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं। एक बार फिर से चोरों ने छत की कुंडी तोड़कर और दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश किया और घर के अंदर रखे नकदी, जेवर आदि सामान को लेकर फरार हो गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत मानधाता थाने की पुलिस से की है। मिली जानकारी के अनुसार मानधाता थाना क्षेत्र के तरल गाँव के नाथपुर के रहने वाले पंकज कुमार ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके घर का ताला तोड़कर उनके घर से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया है। इसकी शिकायत उन्होंने मानधाता कोतवाली पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली बड़ी खबर कुंडा तहसील इलाके से है, जहां वृद्ध की हुई मौत के मामले में आरोपियों के दरवाजे पर सौ दफन करने की जिद पर अड़े परिजन। पुलिस मौके पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बता दें कि हथगुआ थाना क्षेत्र के लगड़ी का पूर्वा जहानाबाद के राम सुमेर यादव और रामकरण यादव के बीच रास्ते को लेकर अरसे से विवाद है। गुरुवार को इसी रास्ते से जाने को लेकर कहा सुनी हुई तो रामकरण का पक्ष हमलावर हो गया। मारपीट में राम सुमेर यादव समेत 5 लोग घायल हो गए। राम सुमेर को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रयागराज ले जाया गया। प्रयागराज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सौ देर शाम जब घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने वृद्ध के भतीजे संतोष कुमार की तहरीर पर 6 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ पहले ही केस दर्ज करके 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वृद्ध का सौ परिजन आरोपियों के घर के सामने दफनाने का प्रयास करने लगे और इस दौरान काफी देर तक हंगामा हुआ। बढ़ते तनाव को देखते हुए पीसी के अलावा कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया और गाँव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।